नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। राज्यसभा सांसद के नाम से नगर परिषद में 5 नए टैंकर पहुंचे, लेकिन ये क्या, इन सभी के टायर बिल्कुल पुराने थे। जब अधिकारियों से पूछा गया तो वे बोले कि हमें नहीं पता कि ये टैंकर किसने भेजे हैं। नगर परिषद के एमई बोले कि मेरे जानकारी में ये टैंकर किसने भेजे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई रिसीविंग नहीं है और ना ही मुझे किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बोले कि हमें जानकारी मिली है कि सभी 5 टैंकर की सप्लाई पानी की सप्लाई के लिए मंगवाए गए हैं और ये नगर परिषद को दिए गए हैं। सभी के टायर पुराने हैं। पार्टी का निशान छपवा करके सरकारी पैसे और संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि फतेहाबाद नगर परिषद की पानी सप्लाई के लिए राज्यसभा सांसद डीपी वत्स के कोटे से कथित तौर पर खरीदे गए 5 टैंकरों की खरीद में गड़बड़ झाला पाया गया। इस गड़बड़ झाले की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा मीडिया को दी गई, जिसमें पाया गया कि 5 टैंकरों के टायर बिल्कुल पुराने थे। नए टैंकरों के टायर बदले गए हैं या उन्हें कोई साजिश के तहत भ्रष्टाचार में रची गई, ये सारी बातें हैं। इसके बारे में नगर परिषद के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अपना पल्ला भी उन्होंने झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये टैंकर कहां से आए हैं। उन्होंने कहा कि 5 नए टैंकरों का नगर परिषद को प्राप्त होने की कोई रिसीविंग भी नहीं है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार ने सवाल भी उठाया है कि पानी की सप्लाई के लिए सरकारी पैसे के द्वारा ये खरीदे गए हैं और पानी के इन टैंकरों पर भाजपा का निशान कमल अंकित किया गया है, जो कि एक तरह से सरकारी पैसे तथा सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि टैंकर खरीद में हुए गड़बड़ झाले की जांच की जाए। इसके अलावा मालूमात किया जाए कि यह किसकी मिलीभगत से टैंकरों के टायर बदले गए हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये टैंकरों का ये मामला है जी। राज्यसभा कोटे से 5 टैंकर आए हैं नगर परिषद के अंदर, तो हमारे को सूचना मिली कि ये नगर परिषद के जो टैंकर हैं इनके भी टायर बदले गए हैं और जो से ये टैंकर हैं इसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज की निशानी होनी चाहिए और इसके ऊपर जो से इन्होंने बीजेपी पार्टी का एक चिन्ह लगाया गया है जो इनका सिंबल है। इसके ऊपर हम सरकार से ये कहेंगे कि इसको सिंबल को हटाकर राष्ट्रीय ध्वज का चिन्ह दिया जाए और सरकारी संपत्ति का जो से ये सिस्टम है उस हिसाब से रखा जाए और ये जो पुराने टायर लगाए गए हैं नए टायरों की जगह इसके ऊपर जिन अधिकारियों की मिली भक्ति से हुआ है ये जो काम उसके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये 5 टैंकर आए हैं जी। सभी के टायर पुराने हैं। ये कल ही आए हैं जी। नई गाड़ियों के पुराने टायर। हाँ जी हाँ जी। ये जो सी नई गाड़ी है उनके सबके पुराने टायर है। आपको क्या लगता है इसमें टायर बदले गए? जब टैंकर नए आए हैं राज्यसभा कोटे से 5 टैंकर पास हुए हैं नई नगर परिषद फतेहाबाद को दिए गए, तो फिर टायर पुराने होने का क्या मतलब है? तो ये इस सरकार का नगर परिषद का मिली जुली भ्रष्टाचार है, प्रशासन में इसकी मेन कमियाँ है जो सी ये टायर बदले गए हैं। राजेश कुमार, टैंकर आए हुए हैं पानी के। हाँ जी। और उसमें ना जी पुराने टायर लगे हुए हैं, टैंकर नए हैं, ये क्या मामला है जी सर? पूरा सर इस मामला कल मैं ही था, ये टैंकर आए खड़े करके, आपने तो इसके बारे में बोल नॉलेज ने कुछ नहीं पता किस गाड़ी का आया, क्या काम के लिए आया। कोई रिसीविंग वगैरह नहीं दिया? मैंने कोई रिसीविंग नहीं। आपका क्या पद है नगर परिषद में? एमई। वो कहां से आए ये टैंकर? मुझे नहीं पता सर, मैं जब रिसीविंग नहीं थी मुझे पता ही कुछ नहीं। बताओ मैं कैसे रिसीविंग दे दूंगा? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंकज नाला है। We'll be right back.
ये टैंकरों का ये मामला है जी, राज्यसभा कोटे से 5 टैंकर आए नगर परिषद के अंदर, तो हमारे को सूचना मिली कि ये नगर परिषद के जो टैंकर हैं इनके भी टायर बदले गए हैं, और जो से ये टैंकर हैं इसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज की निशानी होनी चाहिए, और इसके ऊपर जो से इन्होंने बीजेपी पार्टी का एक चिन्ह लगाया गया है जो सा इनका सिंबल है, इसके ऊपर हम सरकार से ये कहेंगे कि इसको सिंबल को हटाकर राष्ट्रीय ध्वज का चिन्ह दिया जाए, और सरकारी संपत्ति का जो से ये सिस्टम है उस हिसाब से रखा जाए, और ये जो पुराने टायर लगाए गए हैं नए टायरों की जगह इसके ऊपर जिन अधिकारियों की मिली भक्ति से हुआ है ये जो काम उसके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये कितने टैंकर हैं जी? ये 5 टैंकर आए हैं जी। सभी के टायर पुराने हैं? सभी के टायर पुराने हैं। आए कब हैं जी? ये कल ही आए हैं जी। नई गाड़ियों के पुराने टायर? हाँ जी हाँ जी। बोल के बताओ, ये जो सी नई गाड़ियाँ हैं उनके सबके पुराने टायर हैं। आपको क्या लगता है अभी से टायर बदले गए हैं? इसमें टायर बदले गए, जब टैंकर नए आए हैं राज्यसभा कोटे से 5 टैंकर पास हुए हैं, नहीं नगर परिषद फतेहाबाद को दिए गए, तो फिर टायर पुराने होने का क्या मतलब है? तो ये इस सरकार का नगर परिषद का मिली जुली भ्रष्टाचार है, प्रशासन में इसकी मेन कमियां है जो से ये टायर बदले गए हैं। राजेश कुमार।